Assalamualaikum students, I am Wani Zuhur, back with today's new class for class 10th English, chapter number 6 from textbook, and the topic is Papaji's Mouth by Arundhati Roy. Arundhati Roy was born in Shillong, Meghalaya, India, to a Canaanite Syrian Christian mother, whose name was Mary Roy, and her father was Bengali. She spent her childhood in Amman in Kerala and went to school at Corpus Christi Kottayam, followed by the Lawrence School. Arundhati Roy got the prize, Booker Prize for his book, by which the extract has been tracked in 1997. The lesson is an excerpt from The God of Small Things by Arundhati Roy. Sherry Bannon John Ippy referred to as Papaji, which means grandfather. An entomologist prior to his retirement, Fedor Amro and Jaco, with his wife Sushma Ippy, referred to as Mamaji, which means grandmother. Papaji has been better since the discovery of a new species of moth was dismissed and then credited to someone else. His fate of being a perfect husband and father hides his abusive tendencies towards his family, especially Mamaji. One night, while Papaji is beating his wife, Jaco, Amu's brother, a Rhodes scholar home from Oxford University, stops him and tells him never to do it again. From then on till his death, Papaji never hits nor speaks to Mamaji again. The lesson separately raises important issues that plague our society. जो ये अरुंधति रॉय ने ये लेसन लिखा है, यहाँ पे जो है दो करेक्टर्स इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक है पापाजी यानी ग्रैंड फादर, दूसरा है मामाजी ग्रैंड मदर विथ हर टू स्टूडेंट्स. यहाँ पे जो है इस एक्सट्रैक्ट में जो करेक्टर्स है, सबसे पहले जो है पापाजी यानी ग्रैंड फादर एक एटोमोलॉजिस्ट थे, यानी जो एटोमोलॉजी उसको बोलते हैं जो स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, यानी इंसेक्ट का इल्म जानते हो, इंसेक्ट स्पेशलिस्ट जिसको हम बोलते हैं. और अब जो है एक ऐसा करेक्टर है पापाजी का, एक ऐसा बंदा है जो रिटायर हुआ है, लेकिन रिटायर होने से पहले इसने कीड़े मकोड़ों की, क्योंकि एक कीड़े मकोड़ों का एक स्पेशलिस्ट था, इसने एक ऐसा कीड़ा जिसको एक ऐसा मौत जो है एक ऐसा कीड़ा जो है इजाद किया था, लेकिन उसका जो क्रेडिट है इसकी रिटायरमेंट के बाद एक ऐसे बंदे को मिलता है जिसको ये कभी पसंद नहीं करता था. सो पापाजी को है एक इससे एंग्जाइटी हो गई और इसमें एक साइकोलॉजिकल एक्सप्रेशन आ गई, साइकोलॉजिकल दबाव इसमें बढ़ गया, और हम उसको साइकोलॉजी में एक चीज है इसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, यानी अगर इंसान को किसी चीज से परेशानी है, अब वो इस परेशानी का गुस्सा दूसरे पे निकालता है, सबस्टिट्यूट पे निकालता है. सो वही मसला इस पापाजी के साथ हुआ. जब पापाजी रिटायरमेंट के बाद घर वापस आते हैं तो पापाजी को क्या होता है, पापाजी को इस जो मामाजी है ग्रैंड मदर, वो चलाती थी पिकल्स फैक्ट्री, अचार बनाने की एक फैक्ट्री चलाती थी. तो पापाजी ने कहा अगर मैं मामाजी के साथ इस पिकल फैक्ट्री में काम करूं तो मेरा जो है मेरी इज्जत कम हो जाएगी, क्योंकि मैं एक साइंटिस्ट था. और लेकिन इसके साथ साथ इसके दिमाग में हमेशा ये दुख रहा कि इसने एक मौत जो है डिस्कवर किया था, लेकिन इसका क्रेडिट इसको नहीं मिला, ये दुख इसको हमेशा रहा. इस वजह से जब ये घर आया, घर आने के बाद जब इसको ये चीज ज्यादा सताती थी कि इसने एक ऐसी अहम इन्वेंशन की लेकिन इसका क्रेडिट जो है इसको नहीं मिला, तो ये मामाजी को एक बो यानी थिन पीस ऑफ वुड विद हेयर फ्रॉम द टेल और ग्रास, जैसे एक जादू जैसा या कुछ ऐसे से रोज मारता था, वो अपना सारा गुस्सा जो है शाम को मामाजी पे निकालता था. लेकिन मामाजी जो थी यानी ग्रैंड मदर, ये क्या इस ये बहुत पसंद करती थी पापाजी को, यानी मामाजी का करैक्टर यहाँ पे एक ऐसी मदर का है
शी इज अ लवेबल मदर हार्ड वर्कर बट हर एज इज हाफ फ्रॉम पपाची। जो ये बात का भी इसको दुख था ग्रैंड मदर फादर को कि जो ये इसकी बीवी थी मामा जी यानी ग्रैंड मदर ये इससे अच्छी थी गुड लुकिंग थी इसके लुक्स अच्छे थे इससे और ये भी इसको जलन होती थी क्यों क्योंकि इसके दिमाग में एक एंजाइटी थी साइकोलॉजिकल प्रेशर था। वो क्या था कि इसने एक ऐसी इंपॉर्टेंट स्टडी की थी एक इंपॉर्टेंट जो है इन्वेंशन डिस्कवर किया था जिसका क्रेडिट इसको नहीं मिला और मामा ची खुश थी अपने काम से कि वो पिकल्स एक ऐसी वोमेन जो पिकल फैक्ट्री चलाती है पिकल्स बनाती है। जिस दिन पापा जी रिटायरमेंट के बाद अब घर आ रहे थे मामा जी बहुत खुश थी कि अब वो घर आ रहे हैं और उस खुशी में मामा जी ने उस दिन जो है पिकल्स जल्दी जल्दी बेचे खुशी खुशी से घर आई पापा जी के पसंद की डिशेस बनाई कि इसको लगा क्योंकि ये उसको बहुत पसंद करती थी इसको लगा कि वो वहां से आएंगे ओ ये नई नई डिशेस देखकर बहुत खुश होंगे और अच्छे से जल्दी घर आई ताकि उसकी प्रेजेंस से वो बहुत खुश होंगे। लेकिन पापाची के दिमाग में कुछ और ही मसला था और पापाची का ये रोज रोज का मसला था कि ये मामाची को रोज रोज शाम को मारते थे। और एक दिन उनका एक और कहें चेको कम होम फ्रॉम समर वेकेशन फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। उनका एक भतीजा जिसका नाम चेको था वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। एक दिन वो समर वेकेशन पे घर आया और उसने देखा क्या कि पापा जी जो है शाम को मामा जी को मारते हैं और उसको ये बर्दाश्त नहीं हुआ। शाम को वो चला गया पापा जी के कमरे में और उन्होंने पापा जी से कहा कि आज के बाद आप मामा जी को कभी नहीं मारोगे। और पापा जी ने क्या किया पापा जी ने उस दिन से ना कभी मामा जी को मारा ना उससे कभी बात की यहां तक कि जब तक उसकी मौत हो गई पापा जी की तब तक भी उन्होंने उसने मामा जी के साथ बात नहीं की। और उसके बाद जब पापा जी की डेथ हो गई तो मामा जी रो रही थी उसकी स्पेक्स है उसके नीचे से आंसू टपक रहे थे उसको याद आ रहा था वो दिन जब एक दिन पापा जी जो थे अपनी नौकरी के लिए उन्होंने एक अच्छा 3-piece सूट पहना था एक गोल्डन जो है घड़ी टेबल पे रखी और फोटोग्राफ से फोटो उठवाया वहां पे मामा जी वायलिन सीख रही थी मिस्टेकनली जो वहां पे उसका वायलिन टीचर था मामा जी का उन्होंने कहा पापा जी से कि आपकी जो बीवी है ये अच्छा सीख रही है उस वजह से ये दोनों मिल गए और इनकी शादी बाद में हो गई। और लास्ट में जो है मामा जी जब रो रही थी इसको वो बातें याद आ रही थी आंसू टपक गए थे क्योंकि ये जो मामा जी थी पापा जी को बहुत पसंद करती थी और इसलिए वो बहुत रोई। और इसके साथ जो है आज का जो टॉपिक है इसको हमने कोशिश की कम समय में आपको समझा सके। उम्मीद है कि आपको इसमें से जो थोड़ा बहुत हमने कोशिश किया आप अच्छे समझ आएगा। अगर आपकी कोई राय हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। थैंक यू।